हेलो बच्चों, मैं सेठ सीएल से डीसी मिस्त्री इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने जाएंगे कक्षा 10th का इंग्लिश का यूनिट 4, अ वंडरफुल क्रिएशन। अ वंडरफुल क्रिएशन। द गुड लॉर्ड वॉज एक्सट्रीमली बिजी दैट डे। उन दिनों भगवान काफ़ी व्यस्त थे। ही वॉज़ इन टू हिज सिक्स डे ऑफ ओवर टाइम। वो अपने कार्य के दिन के अलावा भी अलग दिन अलग कार्य यानी ज़्यादा कार्य कर रहे थे। वैन ही वॉज अ वर्किंग विथ अ फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एन एंजल अपियर्ड एंड कॉमेंटेड। जब वो अपना कार्य पूरी एकाग्रता के साथ कर रहे थे, तब अचानक एक देवदूत प्रकट हुए और उन्होंने कहा, यू आर टेकिंग सो मच केयर फॉर क्रिएटिंग दिस क्रिएचर। तुम अपने इस प्राणी के सर्जन करने लिए काफ़ी सारी केयर यानी काफ़ी सारा ध्यान रख रहे हो। दैट्स ट्रू, सेड द लॉर्ड। भगवान ने कहा, क्या ये सही है? डू यू वॉन्ट टू नो द डिटेल्स? क्या आप ये माहिती जानना चाहते हैं? वॉट आर दे? द एंजल वॉज क्यूरियस। हाँ, जो देवदूत था वो जानने के लिए काफ़ी उत्सुक था कि हाँ वो क्या था। ऑल हर पार्ट शुड बी मूवेबल एंड रिप्लेसेबल टू। उनके सारे भाग हलन चलन कर सके, बदले जा सके वैसे है। सी हैज़ अ लैब दैट डिसअपियर व्हेन सी स्टैंड अप। उनके पास एक ऐसी गोद भी है कि जब वो खड़े होते हैं तब वो अदृश्य हो जाती है। आई हैव टू एंडो हर विथ अ किस दैट कैन क्योर एवरीथिंग फ्रॉम ब्रोकन लेग टू अ ब्रोकन हार्ट। और उसके अलावा मैंने उनको एक ऐसा प्यारा सा चुम्बन दिया है कि जिसके करने पर चाहे टूटा हुआ पैर हो या टूटा हुआ दिल हो, सब ठीक हो जाता है। मोर एवर सी हैज़ टू हैव अ सिक्स पैर ऑफ हैंड्स। उसके अलावा मैंने उनके हाथों की 6 जोड़ियाँ बनाई है। सी मस्ट बी एबल टू रन ऑन एनी फूड अवेलेबल एंड शुड हैव टू 3 पेयर्स ऑफ आइज। के किसी भी प्रकार के खाने को देखकर या उसकी शक्यता होने पर वो उपलब्ध कर सके। और उसके अलावा उनके पास आँखों की 3 जोड़ियाँ। द एंजल शुक हिज हेड स्लोली एंड सेड, अ माइटी इम्पॉसिबल टास्क आई सपोज। 6 पेयर ऑफ हैंड्स, नो वे। देवदूत ने अपना सिर धीरे से हिलाया और कहा, ये मुझे लगता है काफ़ी कठिन कार्य है। मुझे लगता है कि 6 पैर ऑफ हैंड, आँखों हाथ हाथों की 6 जोड़ियाँ, नो वे, असंभव। दिस हैंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। मेरे लिए हाथ समस्या नहीं है। इट इज़ द 3 पेयर्स ऑफ आईज दैट द मदर हैव टू हैव। लॉर्ड लुक पजल्ड। भगवान काफ़ी दुविधा में दिखे और उन्होंने कहा, आँखों की 3 जोड़ियाँ। ओ, यू आर क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ मदर। अच्छा, तो तुम माता का एक आदर्श मूर्ति बनाने जा रहे हो। बट 3 पेयर्स ऑफ आईज, लेकिन आँखों की 3 जोड़ी, वॉट फॉर? वो किस लिए? द एंजल गॉट इंटरेस्टेड। एंजल को काफ़ी, देवदूत को इसमें काफ़ी रुचि हुई। 1 पैर दैट सीज हर चिल्ड्रन थ्रू क्लोज द डोर्स। एक आँखों की जोड़ी इसके लिए के दरवाजे के पीछे अपना बच्चा क्या कर रहा है वो देखने के लिए। अनदर पैर टू लुक एट द चिल्ड्रन एंड से आई अंडरस्टैंड एंड आई लव यू विदाउट अटरिंग अ वर्ड। दूसरी आँख की जोड़ी इसके लिए कि वो अपने बच्चे को बता सके कि हाँ, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, कुछ भी बोले बगैर, बिना कुछ बोले। एंड द थर्ड पैर ऑफ टू सी ऑल द सीक्रेट्स थिंग्स विदाउट ओपनिंग दैम। और तीसरी आँखों की जोड़ी इसके लिए कि कोई भी बात हो, कोई भी रहस्य हो, वो बिना कहे वो जान सके। लॉर्ड रिक्वेस्टेड टू द एंजल। भगवान ने देवदूत से प्रार्थना की, प्लीज़ गो टू द बेड, डू नॉट टेक अ सो मच ट्रबल इन अ सिंगल डे। आप जाओ और जाकर सो जाओ, एक दिन में आप इतनी सारी दुविधाएं मत लो। आई कैन नॉट, ही रिफ्यूज्ड। मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने इनकार कर दिया। आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीट द वर्क,
मेरा काम खत्म होने को ही आया है। आई हैव पुट द बेस्ट ऑफ माई आइडियाज़ इन टू द मॉडल। अब मैं मेरे उत्तम विचार इस मूर्ति में रखने जा रहा हूँ। नाउ दिस मदर विल बी हील हर सेल्फ वैन सी इज़ अ सिक। अब ये माता जब भी बीमार होगी तब वो अपने आप ठीक हो जाएगी। सी वुड बी एबल टू फीड अ फैमिली ऑफ अ सिक्स मेम्बर्स ओनली ऑन अ हाफ किलो ऑफ कैबेज। वो अपने परिवार के 6 सदस्यों को सिर्फ आधे किलो कैबेज में भी खाना खिला सकती है। एंड सी वुड मैनेज अ चाइल्ड्स बाथ प्ले स्टडी फूड एंड अ स्लीप विदाउट गेटिंग इरिटेटेड। और वो अपने बच्चे को नहला सकती है, खिला सकती है, पढ़ा सकती है, खाना खिला सकती है, सुला सकती है, वो भी किसी भी प्रकार के गुस्से के बिना। द एंजल वेंट अराउंड द मॉडल ऑफ द मदर वेरी स्लोली। देवदूत उस माता की मूर्ति के आसपास धीरे धीरे से घूमने लगा। ही टच्ड इट एंड सेड इट्स टू सॉफ्ट। उन्होंने उसको छुआ और कहा ये काफ़ी नरम है। बट वेरी टफ सेड द लॉर्ड एक्साइटेड। लेकिन भगवान ने मजबूत अंदर से कहा, उत्साहपूर्वक कहा, लेकिन उनका मन काफ़ी मजबूत है। यू कैन नॉट इमेजिन वॉट दिस मदर कैन डू एंड एंडर। तुम जान नहीं सकते कि माता क्या क्या सहन कर सकती है और क्या क्या कर सकती है। कैन इट थिंक, क्या तुम सोच सकते हो। नॉट ओनली कैन सी थिंक बट कैन रीजन एंड कॉम्प्रोमाइज टू सेड द लॉर्ड। भगवान ने कहा वो सिर्फ सोच नहीं सकती लेकिन वो बुद्धिपूर्वक सोचकर उस समस्या का समाधान भी कर सकती है। द एंजल वॉज इम्प्रेस्ड। देवदूत काफ़ी प्रभावित हुए। ही वेंट क्लोजर टू द मॉडल एंड मूव्ड हिज फिंगर अक्रॉस द चीक्स। वो उस मूर्ति के पास और नज़दीक गया और अपनी उंगलियां उसके गाल पर घुमाई। ओ लॉर्ड हर आइज़ आर लिंकिंग। अरे भगवान इनकी आंखें तो बह रही है। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। इट मस्ट बी अ टीयर, मुझे लगता है ये शायद आंसू है। आई हैव नॉट पुट इट देयर, लेकिन आंसू तो मैंने अभी तक रखे ही नहीं थे। इट इज़ अ मिरेकल, ये काफ़ी चमत्कार है। द लॉर्ड एक्सक्लेम्ड, भगवान ने आश्चर्यता से कहा। बट वॉट इज़ अ टीयर फॉर माई लॉर्ड, लेकिन मेरे भगवान आंसू किस लिए। इट इज़ अ समथिंग यूनिक, ये काफ़ी विशिष्ट है। मे बी इट इज़ अ फॉर अ पेन, फॉर अ जॉय, प्राइड, डिसअपॉइंटमेंट, लॉनलीनेस, द लॉर्ड एक्सप्लेन। भगवान ने समझाया शायद वो किसी दुख के हो सकते हैं, खुशी के हो सकते हैं, गर्व के हो सकते हैं, निराशा के हो सकते हैं, अकेलेपन के लिए भी हो सकते हैं। वॉट अ वंडरफुल क्रिएशन, कितना अद्भुत सर्जन है। बच्चों यहाँ पर हमारा यूनिट 4 अ वंडरफुल क्रिएशन कंप्लीट हो रहा है। प्लीज़ रीड इट केयरफुली एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।